जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। आज गुड फ्राइडे के दिन हमारे मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं मानव के रूप में पाई पापी और कमजोर मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, ताकि हम भी ईश्वर की संतान होकर यीशु के ईश्वर तक के भागीदार हो जाएं। हमारी मुक्ति उनकी मृत्यु पर आधारित है। कुछ लोगों ने कहा है, यह तो असंभव है कि एक ही मृत्यु द्वारा अनेक लोग बचाए जा सकते हैं। यीशु ने सारी दुनिया को बता दिया कि मानव प्रेम की चरम सीमा क्या है। यीशु ने अपने असीम प्यार से मानव जाति को बचाने के लिए खुद अपने मूल्यवान जीवन की भेंट क्रूस बलिदान द्वारा चढ़ाई। नबी ईसाया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु के दुखभोग के बारे लिखते हैं कि किस तरह यीशु हमारे पापों के लिए तड़पेंगे, वे विनम्र होकर वध किए जाने वाले मेमने के सदृश हमारे लिए क्रूस पर मार जाने को तैयार रहेंगे। इब्रानियों के पत्र में भी हम पाते हैं कि यीशु ने हमसे अधिक दुख उठाया, वे उलझन और प्रलोभन में डाले गए, लेकिन कोई प्रलोभन उन्हें राह से विचलित ना कर सका। यीशु आज हमें क्रूस पर से पुकारते हैं। क्रूस अखरोट फल के वृक्ष से सदृश है। इसके फल का छिलका कड़वा होता है, किंतु फल की दाने ताजगी तथा शक्तिवर्धक है। क्रूस बाह्य तौर से उसमें सुंदरता अथवा अच्छाई दिखती है, बल्कि इनके तत्व केवल उनको प्रकाश न देते हैं जो उसको धारण करते हैं। वे एक आध्यात्मिक मधुर के दाने और अंतरिक्ष की शांति पाते हैं। आइए हम सब उनके पावन क्रूस के सामने हमारी मुक्ति एवं अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन का विषय विशेष तौर से हम सबों के लिए है, क्रूस की शिक्षा ईश्वर की सामर्थ्या। क्रूस की शिक्षा ईश्वर की सामर्थ्या। क्रूस मसीह धर्म का चिन्ह माना जाता है। हम क्रूस पहनते हैं, क्रूस सुनते हैं और क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। जब प्रभु के शिष्यों ने क्रूस का शिक्षा का प्रचार किया तो यूनानियों ने उनका तिरस्कार किया। वे दर्शन शास्त्र और सिद्धांतों में ज्यादा रुचि लेते थे। क्रूस की शिक्षा को यहूदी भी पचा नहीं पाए, क्योंकि उससे उन्हें ठेस लगती थी। लेकिन हमारे लिए क्रूस की शिक्षा ईश्वर की सामर्थ्या। क्रूस हमें ये छह रहस्यों के मार्ग सिखलाता है। क्रूस ईश्वर के प्रेम तथा बलिदान का चिन्ह। आमतौर पर सारी दुनिया में क्रूस बलिदान का त्याग का चिन्ह माना जाता है। प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान सारे संसार के लिए सदा चुनौती बना है। क्रूस के बलिदान के द्वारा ईश्वर ने हम मनुष्यों के प्रति अपने असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया, जॉन अध्याय 3:16। दूसरा है, क्रूस हमारे पापों के प्रायश्चित का चिन्ह। हमारे पापों का प्रायश्चित का चिन्ह। संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे पापों के लिए मरे, 1 कुरिन्थियन
15:3 संत योहान कहते हैं, उन्होंने ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। जॉन 1:2। ईसायास नबी कहते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे पापों के कारण वह कुचल दिए गए। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। रोमियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। रोमस 3:25। तीसरा नंबर शिक्षा है क्रूस पाप और शैतान पर जीत। क्रूस पाप और शैतान पर जीत का चिन्ह। कलोसियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ने क्रूस पर शैतान को पराजित किया। कलोसियों 2:15। प्रलोभन अनिवार्य है। मत्ती 18:7। क्योंकि प्रलोभनकर्ता सदा क्रियाशील है, लेकिन प्रभु यीशु ने प्रलोभनकर्ता का परित्याग किया तथा उसका तिरस्कार किया। यीशु ने पाप के बदले पुण्य को चुना तथा पवित्र जीवन जीने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार किया। इस प्रकार शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं था। जॉन 14:30। चौथा शिक्षा क्रूस से। क्रूस मुक्ति का चिन्ह। क्रूस मुक्ति का चिन्ह हम विश्वासियों के लिए क्रूस मुक्ति का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पवित्र क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। एफेसियों 1:7। पांचवा क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह। क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह। आप जानते हैं कि क्रूस लकड़ी के दो टुकड़ों से बनता है, एक टुकड़ा नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, अर्थात प्रभु यीशु ने हमारे और ईश्वर के बीच जो दरार था उसे भर दिया है तथा हमें ईश्वर से मेल कराया है। 2 कुरिन्थियों 5:18-19। अपने क्रूस के द्वारा यीशु ने हमारे एवं दूसरों के बीच की दूरी को भी समाप्त कर दिया है तथा हमें एक कर दिया है। संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है। एफेसियों 2:14-16। क्रूस दुख का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। लूक 9:23-24। पवित्र प्रेममय और न्यायपूर्ण जीवन जीते समय हमें प्राप्त दुख हमारे क्रूस है। क्रूस का मार्ग स्वयं तय कर प्रभु हमें क्रूस से ना भगने और सहज पूर्वक उसे गलाने के लिए सिखाते हैं। संसार की दृष्टि में क्रूस दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए वह सामर्थ्य का माध्यम है। जॉन के सुसमाचार के अध्याय 3 में स्वयं प्रभु यीशु अपने क्रूस के बारे में समझाते हुए कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप के ऊपर उठाया था, गणना 21:4-9, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करें। जॉन 3:14-15। जीवन के रहस्य जब हमें भ्रमित करते हैं, विफलताएं हमें तोड़ देती है, तो संकट हमारे विश्वास पर प्रहार करते हैं, हम उस प्रसिद्ध यीशु की ओर तथा उन्हें प्रेरणा और समर्थ्या से प्राप्त करें। गुहा जय प्रभु यीशु ख्रीष्टों को 32 ख्रीष्टाब्दे क्रूस उपरे अत्यंत नृशंस भावे कीड़ को विद्ध करि हत्या करा जाइथिला। सही दिन को शुभ शुक्रवार बा गुड फ्राइडे भावे पालन करा जाउछि।
କୃଷରେ ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସୁପ୍ତବାଣୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ତବାଣୀଟି ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 23:34। ହେ ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାହା କ'ଣ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 23:43। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୃଷରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ହେଉଛି ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 19:26-27। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ମାତା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ଏହି ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ତୁମର ମାତା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାର ଦୃଶ୍ୟ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ବିନା ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ବୃଥା। ମାତା ମେରିଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଏହା କହିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତବାଣୀ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 27:46। ଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲମା ସବକ୍ତାନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ମୁଁ ତୃଷାର୍ଥ, ଜନ 19:28। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଥିବମାନଙ୍କର ମାନବର ତୃଷ୍ଣା। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 23:46। ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଶେଷ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବାଣୀ ହେଉଛି ଜନ ଅଧ୍ୟାୟ 19:30। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଅମ୍ଳରସ ଶୋଷି ନେଲେ ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତତ୍ପରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ପୃଥିବୀର ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ମନଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା।